हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हिंदुस्तान में हर एक चीज के लिए एक कानून बना हुआ है तो अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्टनरशिप अकाउंटिंग और उसी सिलसिले में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो डेफिनेशन दी है पार्टनरशिप की इट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर सेक्शन फोर में जैसे आप देख सकते हैं सेक्शन फोर डिफाइंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो पार्टनरशिप क्या है जरा अगर हम देखें ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ दल दिस इज द डेफिनेशन विच इज कॉइन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू सेक्शन फोर लेटेस्ट इलाबरेट द डेफिनेशन उसमें देखते हैं एक एक पॉइंट को की पॉइंट को हम लोग देखते हैं समझते हैं तो समझेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप इज अ रिलेशन पार्टनरशिप इज अ रिलेशन कैसा रिलेशन एवरी पार्टनर

मैक्सिम देअर विल बी हंड्रेड पार्टनर्स एंड माइंड यू हंड्रेड पार्टनर्स की जो लिमिट है वो पार्टनरशिप एक्ट ने डिफाइन नहीं की है इट इज गिवन इन इंडियन अलग एक्ट है कंपनीज अकाउंट में हम लोग पढ़ेंगे आगे तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा मिनिमम दो पार्टनर्स और मैक्सिमम हंड्रेड पार्टनर्स और हंड्रेड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन अगेन द डेफिनेशन पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन एग्रीड एग्रीमेंट होना जरूरी है कैसा एग्रीमेंट भाई सिंपल सी बात है अगर दो लोगों को या चार लोगों को मिलकर साथ में काम करना है तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है चाहे वो रिटर्न हो चाहे ऑरल हो मतलब एक समझ होनी चाहिए दोनों के बीच में चारों के बीच में पांचों के बीच में जितने भी पार्टनर है एक एग्रीमेंट होना चाहिए एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न ज वेल एज ऑरल इट इज परमिसिबल वापिसनेशन पे तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट बट स्टिक है टू अंडरस्टैंड वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप और नॉट अगर प्रॉफिट्स की शेयरिंग हो रही है तो यस इट विल बी अ पार्टनरशिप अगर प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं हो रही है यू कान डिफाइन इट एज अ पार्टनरशिप फॉर्म ठीक है ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ बिजनेस नेक्स्ट पॉइंट बिजनेस what kind of a business the business must be legal in the eyes of law aisa nahi ho ke do char log mil jaye aur bole ke ek illegal kaam kahi chori karte hain partnership mein to partnership act usko govern nahi karegi kyunki aapka jo business tha wo illegal hai business must be legal ठीक है? और last point और सबसे important point carried on by all और any of them acting for all carried on by all सपोज कीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं या तो कैरी कर रहे हैं तीनों के तीनों तीनों के तीनों फर्म में आके काम कर रहे हैं या फिर किसी वजह से अगर ए और बी पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है सी तो पूरे बिजनेस को कैरी कर रहा है ना स्टिल इट विल बी अ पार्टनरशिप क्यों क्योंकि ए बी सी तीनों का कैपिटल लगा है फर्म में और तीनों ही प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं स्टिल इट विल बी अ पार्टनरशिप तो ये लास्ट पॉइंट है इसको और से देखना है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल या तो सभी के सभी पार्टनर कैरी कर रहे हैं बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इट विल बी अ पार्टनरशिप और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि भाई सारे के सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे एक पार्टनर भी अगर सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है स्टिल इट विल बी अ पार्टनरशिप सो दिस इज हाउ डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप को